गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ईवीएस क्लास। आज हम आपकी बुक का चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 93। लेट्स स्टार्ट। इन आवर कंट्री सम स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स लाइक राजस्थान। इन आवर कंट्री मीन्स हमारे देश में सम स्टेट मीन्स राज्य आर ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट्स मीन्स सूखे राज्य लाइक राजस्थान। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या सूखा पड़ता है, मतलब वो ड्राई है बिल्कुल, जहाँ पानी की कमी है। कहाँ पर है? लाइक जैसे राजस्थान में। इन द विलेजेस मीन्स होता है गाँव। वेयर देयर इज सैंड ऑल अराउंड। जो वहाँ के राजस्थान के गांव हैं, विलेज हैं, वहाँ पे चारों तरफ क्या है? सैंड ही सैंड है। सैंड मीन्स मिट्टी ही मिट्टी है। वाटर इज वेरी लेस, और वहाँ पानी की बहुत कमी है। एग्जाम्पल, इन बज्जू ए विलेज ऑफ माधो इन राजस्थान, देयर इज वाटर स्केयरसिटी इन समर्स। राजस्थान का एक विलेज है बज्जू नाम का, वहाँ पे किसकी फैमिली रहती है? माधो की। वहाँ पे किस चीज़ की कमी है? पानी की। वाटर स्केयरसिटी इन समर, वहाँ पे गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। बिकॉज, क्योंकि जनरली देयर इज़ नो रेन। क्योंकि क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। लेडीज ऑफ द हाउस ऑफ माधो लाइक मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक लार्ज डिस्टेंसेस ऑन हॉट सैंड टू फैच वाटर। जो माधो की फैमिली है उसमें जितनी भी लेडीज़ हैं, और उस लेडीज़ जैसे इनकी उनकी मम्मी है, माँ है, उनकी बहन है, वो क्या करती है? वो काफ़ी दूर जाती हैं पानी भरने के लिए, वो भी पैदल। फिर वो पैदल जाती है और पानी भरकर लेकर आती है। दे बर्न देयर फीट बाय वॉकिंग ऑन हॉट सैंड। आपको पता है जब गर्मी के दिनों में जो मिट्टी होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, और वो जब उन पर चलती हैं, जब वो पानी भरने जाती है तो उनके पैर जल जाते हैं। समटाइम्स ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स टू द विलेज। कभी कभी क्या होता है वहाँ पर, किसके थ्रू पानी आता है? ट्रेन के थ्रू पानी आता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे टैंकर के थ्रू पानी आता है, वहाँ पे ट्रेन के थ्रू पानी आता है। मेन्स ऑफ द फैमिली लाइक माधोस फादर गोज टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। जो माधो की फैमिली के जो मेल्स लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो पानी कैसे लाते हैं? वो अपने कैमल कार्ट मीन्स जो ऊँट वाली गाड़ी होती है, ऊँट से के जरिए पानी लेकर आते हैं। इन समर्स देयर इज स्केयरसिटी ऑफ वाटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। गर्मियों के दिनों में पानी की हमारे जो देश है, जगह जगह पर हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, जहाँ पर बारिश की नहीं आती। सो इफ़ रेन कम्स वी कलेक्ट दैट वाटर एंड रीयूज। तो वो पानी का यूज़ कैसे करते हैं, फिर उनको पानी कैसे मिलता है? जब बारिश आती है, कभी भी वहाँ पे बारिश आती है, तो वो उस पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, मीन्स पानी का संचयन करना, पानी को इकट्ठा करना। हार्वेस्टिंग मीन्स संचयन करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट रेन वाटर। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्षा जल का संचयन, वो हम अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब गांव में कैसे होता है, और अब भी होता है ये गांव में, कि पानी को इकट्ठा कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बावरी
पोंस, लेक्स एक्सेट्रा। जो बारिश आती है, बारिश के पानी को काय में इकट्ठा किया जाता है, किसमें, बावरी में, पोंस में, तालाब में और लेक्स झीलों में इकट्ठा किया जाता है। सेकेंड इज When the rain water seeps down the soil, आपको पता है जब बारिश का पानी आता है तो वो क्या होता है, वो ज़मीन उसको क्या करती है, सोख लेती है, सीप्स कर लेती है। It reaches water table and can be taken out by digging well, hand pump etc. तो आपको पता है तो वाटर का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है वाटर टेबल का स्तर, क्योंकि धरती में जब पानी जाएगा तो वाटर का स्तर बढ़ जाएगा। और फिर वो पानी कैसे यूज़ किया जाता है, कुओं के द्वारा, डिगिंग वेल जो गांव में कुएं होते हैं उसके द्वारा, और हैडपम्प के द्वारा निकाला जाता है, जिसको हैडपम्प को हम बर्मा बोलते हैं, जिसको हम हाथों से चलाते हैं।